योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूट्राइन फाइब्रॉइड जिसका मतलब होता है बच्चेदानी में गांठे। यूट्राइन फाइब्रॉइड को हिंदी में बच्चेदानी में गांठे कहते हैं। यह नॉन कैंसरस होता है। बच्चेदानी में गांठों का कारण क्या है? बच्चेदानी में गांठ का मेन कारण अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन यह पाया गया है कि ज्यादातर उन महिलाओं को होता है जिनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गई है, जिनकी खान पान सही नहीं है, चीनी, सैचुरेटेड फैट, अनहेल्दी आहार जैसे कि पैक्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड यानी वे सब फूड जिसमें कि प्रिजर्वेटिव बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलाई जाती है और महिलाएं उन फूड का सेवन करती है। इन फूड के कारण बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और महिलाएं बच्चेदानी में गांठों का शिकार हो जाती हैं। तनाव के कारण भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, परिणाम स्वरूप फाइब्रॉइड्स विकसित होती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड का विकसित होते ही मेंस्ट्रुएशन का पीरियड बढ़ जाता है यानी मासिक धर्म लंबे समय तक चलता है। पीरियड के दौरान पेट दर्द और ब्लीडिंग दोनों ही बढ़ जाती है। लंबे समय तक पीरियड साइकिल होने के कारण ही महिलाएं इरेगुलर पीरियड साइकिल का शिकार होती है। किसी मंथ पीरियड होती है और किसी मंथ नहीं होती है। इन सब के कारण मासिक धर्म बंद भी हो सकती है, इसलिए यूट्राइन फाइब्रॉइड को इग्नोर न करें, अपने ऊपर ध्यान दें, आहार के ऊपर ध्यान दें, योगासन के ऊपर ध्यान दें। जिन महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वे लोग अपने किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि यूट्राइन फाइब्रॉइड बच्चेदानी की गांठें डायरेक्ट फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। चीनी और संतृप्त वसा जिसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं उनका सेवन बंद करें। बाहर की फ्राइड चीजों का सेवन बंद करें। पैक्ड फूड का सेवन बंद करें क्योंकि प्रिजर्वेटिव बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलाई जाती है और महिलाओं को यूट्रस डिसीज होती है। अनहेल्दी आहार के कारण ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है और महिलाएं यूट्रस डिसीज का शिकार होती है, बच्चेदानी में गांठों का शिकार होती है। आपको उन आहार का सेवन करनी चाहिए जिसमें विटामिन डी, फोलिक एसिड पाई जाती है। आपको ऐसे फूड का सेवन करनी चाहिए जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन और जिंक पाई जाती है। योगासन भी डेली करें। योगासन डेली करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। धन्यवाद दोस्तों।